हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है सैमसंग का 24 इंच एलईडी टीवी जिसमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। तो इसमें हम यूनिवर्सल बोर्ड लगाने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसका किस तरह से रेजुलेशन और इसका सर्विस मेनू किस तरह से ओपन होता है और क्या क्या चीज़ का सावधानी बरतना होता है, यह सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया और इसका लॉजिक बोर्ड और ये पावर सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका एक अगर स्टैंड बाई हो रहा है तो इसका एक टिक भी है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसमें फ्लैश करके देखा और ये जो आईसी है इसको हीट करेंगे को कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद जब आप कर देंगे तो यह ऑन नहीं होगा। तो यही प्रॉब्लम है इसमें, यानी कि इसका जो मेन आईसी है वो ख़राब हो चुका है। तो हम क्या कर देंगे, इसका जो लॉजिक बोर्ड है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बर्निंग नहीं दिख रहा था और यहाँ पर LVDS को भी इस निकाल देंगे, इस LVDS को। तो इसका जो पत्ता है आपको देखना है कि इसका जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है वह लेफ़्ट साइड से है या राइट साइड से। तो इसका आप जब पैनल का डाटा सीट लेंगे PDF में तो वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं PDF उसका, तो इस तरह से आपको क्लियर कर लेना है कि वोल्टेज हमारा कहाँ से इनपुट हो रहा है, किस पिन पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड पर इसका वोल्टेज इनपुट हो रहा है। तो उसी टाइप का हम LVDS केबल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड का ही हमने LVDS ले लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से यह लग भी जा रहा है। तो अब हम इसका पावर सप्लाई का जो पिन आउट है हम उसके डिटेल के बारे में बात करते हैं कि आप कहाँ से इसका बैकलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं और कहाँ से आप इसका जो वोल्टेज देना है यूनिवर्सल बोर्ड को कहाँ से देना है, यह सब हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मार्किंग है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट नंबर पिन है, यहाँ पे देख सकते हैं यह मार्किंग किया गया है 1 नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 3, 5 और 7 नंबर पिन जो कि 13+ के लिए है और 9 नंबर जो है वह ग्राउंड के लिए है। यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर भी लिखा है पीछे भी। तो इसी हिसाब से आपको इसमें वायर को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो डायबोर्ड लगा हुआ है 3 और डायबोर्ड से होके एक यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है ब्लैक कलर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको जब भी कनेक्शन करना है इस कॉइल के आउटपुट पे ही करना है, न कि डायरेक्ट डायबोर्ड पे, क्योंकि जब कभी कभी बर्निंग होता है मदरबोर्ड में, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वह अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो आपका पावर सप्लाई भी ख़राब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए आप जो इसमें कॉइल लगा है उसके सेकंड साइड पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर इसका और 2 नंबर 3 4 नंबर पे हमारा बैकलाइट ऑन था। तो यहाँ पे आपको बैकलाइट ऑन का वायर यहाँ पे ज्वाइन करना है इस 4 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे हम पावर दे दिए हैं, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 13.2 वोल्ट, इसका जो कैपेसिटर का माइनस है ग्राउंड वहाँ से और कॉइल के सेकंड सेक्शन में। तो यहाँ पे हम रेड वायर को ज्वाइन कर लेते हैं और ब्लैक वायर यानी ग्राउंड इसका आप कहीं से भी दे सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में जहाँ भी आपको ग्राउंड मिले आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसका बैकलाइट ऑन जो कि 4 नंबर पिन पे था, तो वहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का वायर कनेक्शन कर दिया है और ब्लैक कलर का जो वायर है वह हम ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पे आप नज़दीक से देख लीजिए, यह जो ब्लैक है यह ग्राउंड है रेड कलर का 13.2 पे और ब्राउन कलर का जो है वह बैकलाइट ऑन पे, यहाँ पे 4 नंबर पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन करने के बाद एक बार हम वायर पे आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक का जो है
मीटर का नॉब ब्लैक वायर पे और रेड वायर रेड नॉब पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13.45 वोल्ट बन रहा है, और इसका जो बैकलाइट ऑन है यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट। तो पावर सप्लाई पे हम देखेंगे एक 5 वोल्ट से रेजिस्टेंस लगा रहेगा बैकलाइट ऑन पे, तो इसीलिए अगर आप मदरबोर्ड इस सप्लाई में डिसकनेक्ट करेंगे इसलिए इसका बैकलाइट ऑन हो जाता है, अगर मदरबोर्ड नहीं लगाते हैं तो। तो आपको यूनिवर्सल बोर्ड में सब कुछ मेंशन रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमको 13 वोल्ट मिल रहा था, तो इसलिए हम जो यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव और ग्राउंड दिया हुआ है वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव पे यहाँ पे रेड वायर और ग्राउंड पे हम ब्लैक वायर को ज्वाइन कर देंगे, और जो हमारा ब्राउन कलर का है उसको अनेबल पिन पे ज्वाइन कर देंगे। तो हम आपको पास से भी दिखा दे रहे हैं, यह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट और ग्राउंड, और हमने ऑन पे इसका बैकलाइट ऑन पे दे दिया है। तो एक बार हम पावर देखिए आपको ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पावर दिया, तो यहाँ पे रेड लाइट आ गया है, और रिमोट से हम इसको ऑन कर देंगे तो ग्रीन वायर हो जाएगा। और बैक लाइट पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया, यहाँ पे बैक लाइट भी आ गया है, यानी कि हमारा जो कनेक्शन था वह बिल्कुल ओके है। इस तरह से आपको भी कनेक्शन कर लेना है, और पैनल का रेजुलेशन और वोल्टेज यह सब देखने के लिए इस पैनल का नंबर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका कितने वोल्ट का है इस पे ध्यान देना है, नहीं तो आपका पैनल तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जंपर दिया है, इसको पहले कर लेना है, और LVDS का भी मैपिंग करना होता है किसी किसी टीवी में, तो वो सबको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्केट से LVDS लिया था राइट हैंड साइड का, तो वह मैच कर दिया था इसलिए इसमें कनेक्शन नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेजुलेशन मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए बैकलाइट इसका ऑन तो हो जा रहा है लेकिन इसमें कोई भी पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो रेजुलेशन का कोड है, तो इसके लिए इनपुट 0, 3, 4, 5 और 1 जो कि यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यह तुरंत ही इसके रेजुलेशन पे आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीवी लिख के आ गया है। तो अभी इसमें मेनू टिपते हैं और देखते हैं इसका मैपिंग कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अभी मैपिंग का इशू है, तो इसके लिए हम सर्विस मोड को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम सब कुछ इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और टीवी को पैक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन मैंने कर लिया है, स्पीकर का और जो इसका सेंसर वगैरह का था मैंने सब कुछ कर लिया है इस तरह से। और इसके बैक कवर पे मैंने मदरबोर्ड को यहाँ पे टाइट कर लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो अब एक बार हम यहाँ पे पावर देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पावर दे दिया और यहाँ पे रेड लाइट आ गया है, और इसका साइड से भी देख सकते हैं इस तरह से आपका कनेक्शन करना होता है, USB का और AV का सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से अब हम पावर ऑन करते हैं। आप हमसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं AV आ गया है और मैपिंग का इशू है, तो इसके लिए हम इनपुट 2580 प्रेस करेंगे तो हमारा सर्विस मेनू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन हो गया है। तो उसके बाद हम आते हैं स्पेशल सेट में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे पावर ऑफ लिखा हुआ है, तो इसको हम रिमेंबर पे कर देंगे। जब आप रिमेंबर करेंगे तो या जब अगर रिमोट से बंद किए हैं तो रिमोट से ही ऑन होगा, और अगर डायरेक्ट बंद किए हैं तो ये आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसका लोगो पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे सैमसंग का टीवी है तो लोगो पे हम सैमसंग कर देंगे। उसके बाद मैपिंग के लिए हम पैनल पे जाएंगे, पैनल एडजस्ट और TI मैप लिखा रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 था तो अभी मैंने 0 कर दिया है, तो इसका मैपिंग ओके हो गया। तो इस सर्विस से अब एग्जिट हो जाते हैं, तो मेनू देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब मैपिंग भी ओके हो गया है, और अब हम इसमें वीडियो भी चला के दिखा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने AV का लीड लगा दिया है। आप ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर भी बिल्कुल ओके है।
थैंक यू दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।